हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हमारा राजा बैटरीज के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। एक साइड स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक साइड कंसोलिडेटेड रिजल्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड नंबर से, जहां पे टोटल इनकम के फिगर को देखें 2384 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 2290 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1995 करोड़। स्टैंडर्ड इनकम जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस 2186 करोड़ वर्सेस 2097 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1735 करोड़ थे। एक्सपेंसेस भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ चुके हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 197 करोड़ वर्सेस 193 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 259 करोड़ थे। ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 144 करोड़ वर्सेस 144 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 193 करोड़। इस रिजल्ट को हम फ्लैट टू पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि वी ऑल नो के ड्यू टू चिप शॉर्टेज लास्ट तीन महीने में जो ऑटोमोबाइल सेल्स नंबर थे थोड़े कम आ रहे थे, एंड अमर राजा में इसका इंपैक्ट पड़ा है। यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में इसको अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर बढ़ेगा तब भी अमर राजा को अच्छा खासा वैल्यूएशन डेफिनेटली मिलेगा। सो एट दैट मोमेंट स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट डेफिनेटली 600 to 580 इज अ बाइंग जोन। अगर करेक्शन में 600 के नीचे जाता है आपको बाई करना है और होल्ड करना है, आपको जरूर इन दिस पर्टिकुलर ईयर ही यहाँ से 22-25% का रिटर्न डेफिनेटली मिल सकता है। सो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, डू नॉट शॉर्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आई डोंट लाइक टू शॉर्ट स्टॉक्स लाइक एक्साइड एंड अमर राजा। अगर हम कंसोलिडेटेड नंबर को देखें 2384 करोड़ वर्सेस 2290 करोड़ के इनकम, यानी इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े, ईयर ऑन ईयर बेस पे 1995 करोड़ से 2384 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स आर एग्जैक्टली द सेम। अगर हम एक्सपेंसेस की भी बात करें वहां पे भी आप देख सकते हो सिमिलर पैटर्न है। सो ओवरऑल नो नीड टू डिस्कस द रिजल्ट डिफरेंटली, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स आर सेम। द फैक्ट इज 145 करोड़ was the consolidated net profit, last quarter 144 crore the last year same quarter 193 crore, so the result is not that good। agar aapko short karna hai so yahan pe 625 to 630 ka stop loss laga ke aap short karo, 600 kariba hai to profit book karo, and 580 ke kareeb by chance aa jaye wahan pe aapko buying karna hai, so buying zone 580 to 600 range, and definitely wahan pe aa sakta hai market correction mein, yes of definitely participate kar sakta hai, and wahan pe ja ke aapko buy karna hai, long term ke liye hold karna hai। aaj market close hone wala hai, so कल क्या होगा यहाँ पर मुश्किल है, बहुत ऊपर निफ्टी खोलने के आसार तो कम है। सो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिए, टुमारो मार्केट ओपन के साथ हम देखेंगे कि क्या करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।